नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने शनिवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब इस पर बवाल शुरू हुआ और मीडिया व सोशल मीडिया में इसे लेकर चर्चा तेज हुई तो ट्विटर ने इसे बहाल कर दिया। ट्विटर सारे पैरामीटर्स की जांच के बाद ही किसी को ब्लू टिक देता है, ऐसे में ये समझना मुश्किल था कि भारत के उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक क्यों हटा गया। ANI के मुताबिक ये बताया गया है कि नायडू का निजी अकाउंट 6 महीने से ज्यादा वक्त से निष्क्रिय था और इस वजह से ब्लू टिक को हटा लिया गया था, लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है। बाकी RSS के वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाइड करने के बाद अब RSS प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरीफाइड कर दिया गया है। उनके अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा लिया गया है। इससे पहले RSS के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, RSS के पूर्व महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी, पूर्व संयुक्त महासचिव सुरेश सोनी और वर्तमान संपर्क प्रमुख अनिरुद्ध देशपांडे के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया था। केंद्र सरकार असहमति की आवाजों को किस तरह दबाने का प्रयास कर रही है, इसका एक और उदाहरण सामने आया है। सरकार ने ट्विटर से कहा है कि कार्टूनिस्ट मंजुल का ट्विटर अकाउंट भारतीय नियम कानूनों का उल्लंघन करता है, इसलिए इस अकाउंट के खिलाफ वह कार्रवाई करे। ट्विटर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कार्टूनिस्ट को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी है। कार्टूनिस्ट मंजुल ने इस पर सरकार पर तंज किया है कि शुक्र है कि सरकार ने यह नहीं लिखा कि ट्विटर अकाउंट बंद कर दो, क्योंकि ये कार्टूनिस्ट अधर्मी है, नास्तिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को यह भगवान नहीं मानता है। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार कमी आई है और हालात बेहतर हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्माण कार्य जैसे काम और फैक्ट्रियां तो पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बाजार, मॉल्स को ऑड इवन के हिसाब से खोला जा रहा है और इनमें जो दुकानें हैं वे सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% अफसर काम करेंगे और इससे नीचे के ग्रुप वाले 50% अफसर काम करेंगे, जबकि प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। सरकार ने निजी क्षेत्र को देने के लिए जितने कोरोना टीके सुरक्षित रखे उसमें से आधा टीका सिर्फ 9 कॉरपोरेट अस्पतालों ने ले लिए, जिनके अस्पताल बड़े शहरों में हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि मझोले व छोटे शहरों के निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन नहीं मिली और इसी तरह इन शहरों के लोगों को निजी अस्पतालों में टीका नहीं दिया जा सका। बता दें कि केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि कंपनियां जितने कोरोना टीके बनाएंगी उसका आधा केंद्र सरकार लेगी, आधे में आधा राज्य सरकारों को मिलेगा और आधा निजी क्षेत्र के लिए होगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये फॉर्मूला तय होने के बाद के पहले महीने में 1,20,00,000 खुराकें निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखी गई। इनमें से 60,57,000 खुराकें 9 कॉरपोरेट अस्पताल कंपनियों को मिल गए। इन कंपनियों के कुल मिलाकर 300 अस्पताल हैं और ये सभी अस्पताल महानगरों व बड़े शहरों में स्थित हैं। भारत के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर VK पॉल ने टीकाकरण को लेकर कहा है कि देश में वैक्सीन की एक डोज लगाने वालों की संख्या अमेरिका से अधिक है, यानी पहली डोज लगाने वाले मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि भारत में वैक्सीन की कम से कम एक खुराक प्राप्त करने वालों की संख्या 17,20,00,000 है, जो अमेरिका से अधिक है। बता दें, उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब कई राज्य कह रहे हैं कि उनके पास दूसरी डोज लगाने के लिए वैक्सीन ही नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि आज से 45 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन लगाने वाले टीकाकरण केंद्रों को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोवैक्सीन का टीका उनके पास खत्म हो गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही एक और अच्छी खबर इस वक्त में आई है। खबर यह है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V बनाने की अनुमति दे दी है। ये तीसरी वैक्सीन होगी जो भारत में बनाई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से बुधवार को DCGI में इस संबंध में अर्जी दायर की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकारा है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि कोरोना से बचने का सबसे बेहतर उपाय वैक्सीन है और वैक्सीन ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कैसे केंद्र और विभिन्न सरकारी विभाग भारत में उन दवा बनाने वाली कंपनियों का पता लगाने में अनजान रहे जिनमें कोरोना टीके बनाने की क्षमता है, जबकि विदेशी कंपनियों ने उनका पता लगा लिया। कोर्ट ने कहा, यही हमें परेशान कर रहा है। अदालत की टिप्पणियां पेनेशिया बायोटेक की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें पेनेशिया ने अपने एक पुराने मामले की धनराशि की मांग की थी। कंपनी ने याचिका में कहा कि उसे मानवता के हित में जल्द से जल्द पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि उसने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V वैक्सीन के ट्रायल बैचेस का निर्माण तो पहले ही कर लिया है, अब वो इस वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं।
जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि वो 2012 से अब तक के ब्याज के हिसाब से पैनेशिया बायोटेक को 14 करोड़ की अवार्ड आदेश राशि जारी करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने पैनेशिया बायोटेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र ने भारत में बनाई गई वैक्सीन के उत्पादन के लिए स्थानीय दवा निर्माताओं के साथ बात क्यों नहीं की। कोर्ट ने कहा कि एक भारतीय कंपनी ने ही वैक्सीन बनाई है, तो अगर पिछले साल आपने अन्य निर्माताओं को बताया होता तो अब तक पूरे देश में करोड़ों टीके होते। अदालत ने कहा कि आप ये सब क्यों नहीं सोच रहे हैं। भारत में पिछले एक दिन में 1,20,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 58 दिनों में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा पिछले एक दिन में 3,380 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे देश में कुल मृतकों की संख्या 3,44,000 से अधिक हो गई है और सक्रिय मामले 15,55,000 से अधिक हैं। भारत में पिछले 23 दिनों से कोरोना संक्रमित लोगों के ठीक होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या से अधिक दर्ज की जा रही है। इसके अलावा पिछले 12 दिनों से देश में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम दर्ज किया जा रहा है। पिछले एक दिन में देखा गया पॉजिटिविटी रेट 5.78% था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने शुक्रवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कम से कम जनवरी 2023 तक के लिए सस्पेंड कर दिया। फेसबुक ने जनवरी में ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था और मई में हुई एक बैठक में इसे सही ठहराया गया था। ये कार्रवाई इस साल 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद ट्रंप की भड़काऊ पोस्ट को लेकर की गई थी। फेसबुक ने तब अनिश्चित बैन को गलत कहा था और ट्रंप को जवाब देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था और ये वक्त जनवरी महीने से शुरू हो गया था। नाइजीरिया की सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि उसने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस कार्रवाई के 2 दिन पहले ट्विटर ने देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी की एक पोस्ट को हटा दिया था। नाइजीरिया के सूचना मंत्री लाई मोहम्मद ने कहा कि सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि ट्विटर का इस्तेमाल नाइजीरिया के कॉरपोरेट वजूद को कम करने के लिए किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया ये इस्तेमाल किस तरह हो रहा था। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।